वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। अग्निपथ का विवाद इस वक्त पूरे देश में छाया हुआ है। युवाएं सड़क पर उतर चुके हैं और पूरी तरीके से जोर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच आनंद महिंद्रा ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम को अपना समर्थन देते हुए महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि महिंद्रा ग्रुप इस प्रकार यहाँ पर सभी सक्षम युवाओं को उनकी कंपनी में नौकरी देगा। अपने ट्वीट में उन्होंने देश भर की अग्निपथ के विरोध में की जा रही हिंसा को लेकर निराशा जताई। उन्होंने लिखा, अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई उससे दुखी और निराश हूँ। पिछले साल जब इस स्कीम पर विचार किया गया था तब मैंने कहा था कि अग्निवीर को जो अनुशासन और कौशल मिलेगा वह उन्हें उसी रूप से रोजगार के लिए योग्य बनाएगा। महिंद्रा ग्रुप ऐसे यहाँ पर सक्षम युवाओं को अपने कंपनी में नौकरी देगा। जब आनंद महिंद्रा से पूछा गया कि उनकी कंपनी अग्निवीरों को किस पोस्ट पर नियुक्ति करेगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा, लीडरशिप क्वालिटी टीम वर्क और शारीरिक परीक्षण की वजह से अग्निवीर के रूप में उनकी इंडस्ट्री को बाजार के लिए तैयार पेशवर मिलेंगे। ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कहीं भी काम करने में योग्य होंगे। आपको बता दें, अग्निपथ योजना के लागू होने के बाद देश के कई कोनों में हिंसक घटनाएं घटी। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड और असम में खुलेआम संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने तो कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते रेलवे का 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी हिंसा से काफी क्षति पहुंची है। सुरक्षा लिहाज से आज बिहार में 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आशंका है कि दिल्ली NCR में भी प्रदर्शन हो सकता है। ऐसे में पुलिस अलर्ट पर है। नोएडा में भी धारा 144 लगा दी गई है।